के बीच में भी उड़ जा रहे हैं। पांच ओवर में 63 रनों की जरूरत है जीत के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि 30 गेंदों पर 63 रन चाहिए और इस ग्राउंड पर बहुत ज्यादा रन बने हैं अभी तक। आप लोग अगर कुछ डिस्टर्बेंस ना हुआ होता तो निश्चित तौर पर आप अभी प्रेजेंटेशन देख रहे होते। फिर आ गए आप नीचे से देखो, फिर से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। कट किया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, एक रन लिया, स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 54 54 रनों पर। छठे ओवर में 54 का स्कोर, 10-10 ओवर का फाइनल मैच। मैदान पर है, उनका नाम है मकसूद और टीटू, बहुत जो दर्शक है उनके प्रशंसक है, और टीटू की जोड़ी बीच में था। नीचे गेंद और इस बार फिर से खेला है उसी गली और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में, गेंद बाउंड्री लाइन से खिलाड़ी आते फील करते, दूसरे प्लेयर को फील करते, दूसरे रन के लिए दौड़े हैं, आसानी के साथ पूरा कर लिया। जैसे ही थोड़ा सा मिस फील्डिंग हुए, पूरा फायदा उठाया उसका, मौका ताड़ा और एक को दूसरे में तब्दील कर दिया। इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ अपना पहुंचा है 56 रनों पर। छठे ओवर में 56 का स्कोर, छठे ओवर में 56 रन का स्कोर। जीत के लिए आप सब जानते हैं कि बनाने हैं 116 रन निर्धारित 10 ओवरों में। निश्चित तौर पर दिलचस्प होगा ये फाइनल मैच है। 6 विकेट भी सुरक्षित है। गेंदबाज चले लेफ्ट आर्म से ओवर क्रिकेट, गेंद की फिर से फिर किया लेकिन स्लिप के क्षेत्र में फील्ड किया गया, कोई रन नहीं, बिल्कुल डिफेंसिव मोड में बैटिंग करते हुए। तो पर 60 रनों की जरूरत है, अभी आधा सफर पूरा नहीं हुआ है। गेंदबाज चले, ये गेंद इस बार अब पहुंचता हुआ 60 रनों पर जा पहुंचा है। इस स्तर पर आप फाइनल खेल रहे हैं, कोई आप लीग का मैच नहीं खेल रहे। इस बार से खेला है, जा रही है कवर के क्षेत्र में, फिर से खिलाड़ी आ रहे हैं, उनके पहुंचते दूर और कई मरतबा उनसे छूट रही है, फंबल हो रहा है और निश्चित ही अगर ये चौका चला जाता तो दबाव का एक और बादल यहाँ पर टूट पड़ता किशनगंज पर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो के बीच में गेंदबाज चले और उनकी ये गेंद इस बार खेला उसे और स्क्वायरली की तरफ, प्रयास अच्छा रहा वहां पर और दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। अगर नॉन स्ट्राइक पर थ्रो जाता तो ज्यादा बेहतर होता। फिलहाल 2 रन, अच्छी फील्डिंग, अच्छी रनिंग विकेटों के बीच में। सर, तुमने शरीर को पीछे लगाकर रोका था, अगर हाथों से रोकने होगा अगर आप फाइनल खेल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी ऑफ साइड में जो आउटफील्ड है थोड़ी सी वहां दिक्कत दे रही है, वहां पर आपको जरूर पूरे शरीर के साथ फील्डिंग। ओवर समाप्त होता हुआ तो 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 64 रन, 6 ओवर 4 विकेट 64 रन, ये है स्कोर। 64 रन 4 विकेट, हालांकि ये एक अच्छी अहम भागीदारी हो रही है। 24 गेंदों पर 52 रनों की आवश्यकता है। अब ये बात तब मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि बस 24 गेंदों पर 52 रन चाहिए। अगर 24 गेंद पर 52 रन बना लेती है पदवा तो वो फाइनल का सरताज होगी। और राहुल भाई यही ब्लैक टाइगर पदवा की टीम थी, 12 गेंदों में 52 रन बनाने। जी जी, सेमीफाइनल में, सेमीफाइनल में तो निश्चित तौर से ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत ही जबरदस्त हो चला है राहुल भाई। बिल्कुल खुला हुआ है मैच, किसकी तरफ ये जाएगा ये तो वक्त बताएगा। अगर यहाँ से गेंदबाजों ने सिकंजा कस दिया, वो लाइन और लेंथ पर पकड़ बना ली और जहाँ टप्पा गिराना चाह रहे वहाँ गेंद गिर गई, तो पदवा फिर थोड़ी सी नतमस्तक जरूर हो जाएगी। अब आ गए हैं रंजीत, रंजीत के सामने है मकसूद और नानिशाजों ने बल्लेबाजी की है। रंजीत चले, बहुत ही कमाल की गेंद राहुल भाई, और इसी वजह से देखिए सिर्फ गेंद को छोड़ लिया रंजीत ने, बहुत चलाक सी चलाकी भरी गेंदबाजी करते हुए और बल्लेबाज के माइंडसेट को पूरी तरीके से वो चादर आप स्वयं ओढ़ लेते हैं अपने ऊपर और वो करने से बचना होगा, जैसी गेंद वैसा खेलना होगा। मेरे के हिसाब से तीसरी गेंद और बहुत अच्छी गेंदबाजी, लगातार 3 डॉट बोले तो अगले ही ओवर में क्या शानदार, बहुत अच्छा जबरदस्त मैच चलता हुआ। कमलेश्वर बेहतरीन टप्पा, राहुल भाई बेहतरीन जगह पर टप्पा खिला रहे हैं रंजीत, बिल्कुल बाहर इसी बीच रंजीत और जो रंजीत इस ओवर में अगली बार देखना होगा।
भाग्य आजमाने के लिए आ गए हैं और ऐसे समय में मैच फंसा है कि संकट मोचक क्या बनेंगे ये तो वक्त बताएगा। मझधार में नहीं है, पवन में फंसे हैं। रोमांचक मैच पहुंच गया दोस्तों, 800 लाइक पहुंचा दीजिए मैच के खत्म होने से पहले। 800 लाइक आप लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। 50-50 मैं कहूंगा दोनों टीमों के लिए। चले और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गेंद, फुल लेंथ गेंद थी और ओवर घुटने पे जाकर गेंदबाजी चले और रनों की जरूरत और चाहिए, 16 गेंदों पर 40 रन चाहिए। अमलेश्वर निश्चित ही उड़ रही है गेंद, मच रहा है हल्ला और इस समय आग उगल रहा है टीटू का बल्ला। वाह क्या बात है, मैं नहीं फंसी थी, इससे कोई हुनर सीख ले जाए। राहुल जी ये जो गेंदें बची हैं ये गोल्डन गेंदें हैं, पानी की जो गेंदें बची हैं ये गोल्डन बॉल है। राहुल जी क्या बसों में से कोई एक ऐसा खिलाड़ी फिर से निकल कर आएगा जो अकेले दम पर मैच को पलट देगा, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल संदीप सिंह सिंह ने एक रन पूरा किया, हालांकि दूसरे के लिए पलटना चाह रहे थे लेकिन तेज थोड़ा रिकवर करने के बाद और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस सिंगल के सहारे स्कोर पहुंच गया 77 रन। अब यहां से जीत के लिए 39 रनों की आवश्यकता है। 15 गेंदों पर 39 बिल्कुल चीते की तरह टूट पड़ेगी और मंसूबे पर पानी फेर दिया जो दूसरे रन लेने का था। 79 रन जीत के लिए अभी भी 37 रनों की आवश्यकता। गेंद कितने बाकी है? 13 गेंदों में 37 रन। क्या कोई कारनामा होगा, क्या कोई एक ऐसा बड़ा ओवर आ जाएगा जिसमें 25 या 26 रन ये 12 या 13 गेंदें डिसाइड करेंगे। इस बार धीमी गति की गेंद, जो गेंद स्लॉट में है उस पर आप सिंगल लेकर के शायद अच्छा नहीं किया टीटू ने, क्योंकि जानते हैं कि अगले आने वाले जो ओवर है वो स्ट्राइक पर रहेंगे, इस वजह से उन्होंने जानबूझकर 12 गेंदों पर 36 रन चाहिए 18 रन पर ओवर के हिसाब से। तो कमलेश सर में पिछला मैच की मैं थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, 52 रन चाहिए थे और ओवर था अजय बाबा का। अजय बाबा के ओवर में ईशान और सुमित ने अच्छे खासे रन कूट डाले। 6 गेंदों पर 27 रन, 12 गेंदों पर 36 रनों की जरूरत है। तो यहाँ पर संजू शर्मा 6 विकेट गिरे हैं। जी जी, संजू शर्मा और टीटू के बीच समय का बिल्कुल अंपायर ध्यान देंगे, अंपायर समय का ध्यान देंगे बिल्कुल। बॉलर कितने लगे हैं, कितने ओवर चार लगे हैं अखिलेश? चार, चारों दो दो फेंक दिए हैं। चार बॉलर दो दो ओवर फेंक दिए, वो बॉलर का मैटर था क्योंकि 5 बॉलर यूज होंगे। तो यहां पर अखिलेश सर ने, तो अब यहां पर संजू शर्मा टीटू के बीच बिल्कुल एक गहन अध्ययन किया जा रहा है कि ये जो 12 गेंदे हैं और 36 रन है। अश्विनी जी एक पॉइंट पर ध्यान देना होगा कि आपको 5 बॉलर की जगह 6 लगाना पड़ेगा क्योंकि कोई एक बॉलर दो ओवर लगातार नहीं डाल सकता। यहाँ पर वो छठा ओवर छठा जो बॉलर होगा समा दूसरा फायदा उठाएगा। समस्या है ये दोहरी का जो ग्राउंड है, एक ओवर में 40 रन यहाँ पड़े हैं एक एक गेंदबाज को, आपको भी पता है। तो क्या समझे कि थोड़ा स्ट्रेटजिक फेल हुआ क्या किशनगंज के कैप्टन से? यहाँ अब ये कमलेश्वर लास्ट ओवर किसका होगा ये बहुत निर्णायक होगा अगर टीटू है तो। अब आए हैं दिलशाद, दिलशाद
ये गेंद वहां पर दिलसाद के निश्चित ही टप्पा पड़कर बाहर निकल गए और वाइट करा दिया वहां पर। भैया स्टांस उनका लहजा बता रहा है कि लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फिर से मेरी बाहर वाली गेंद संजू के लिए और यहां पर संजू शर्मा के लिए और जो खेल दिया है गेंद पैर पर आकर चली गई है ऐसा कवर के क्षेत्र में वहां पर 10 गेंदे 29 रन उतनी ही कमा लिया है सभी ने और इस बार से जाना जाएगा लेकिन 9 गेंदों पर 29 रन उल्टी गिनती शुरू होती हुई बहुत ही बड़ा छक्का सब कुछ दिशाएं गिरेगी इसमें और पदमा की तरफ से हालांकि वो विकेट मिलने के बाद किसी का कोई ठिकाना नहीं रहा किसी भी वो विकेट लेना मैंने कहा था वो जब तक है ब्लैक टाइगर है अब आए हैं यशवंत उसके ऊपर चोट पहुंचाएंगे तो मैं बताएगा इस बार इसमें टॉस के नसीहत नहीं दे सके और दिल साथ में कहूंगा कि बहुत अच्छी गेंदबाजी है पिछले 2 गेंदों पर इन्होंने की है बहुत अच्छी गेंदबाजी 6 गेंदे 22 रन अंतिम ओवर देखना है कि कौन डालेगा उनके बहुत ही होनहार दिलचस्प अरे यार परवेश और उसी बीच अब यहाँ से 2 गेंदों पर 15 रन गेंदबाजी की है 4 गेंदों पर माफ कीजिएगा केवल 6 रन ही दिए है और अब गेंद होते हैं, तालियों में बजाते हैं जिनके हाथों में दम होते हैं।
अरे